अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग के अंदर जी हम गर्मी को भगाने वाले हैं। गर्मी जो है ना लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आज हम जाने लगे हैं जी स्विमिंग पूल, जो कि लाहौर से थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बाहर है और काफ़ी वो खूबसूरत भी है और काफ़ी बड़ा भी है। तो उधर चलते हैं दोस्तों के साथ, ड्रोन शॉट लेंगे, अंडर वाटर जो है ना वो भी शूटिंग थोड़ी बहुत करके देखेंगे इसी गोप्रो के साथ, और काफ़ी मज़ा आएगा। इंजॉय करिएगा आप भी और हम भी करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए जी निकलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है और क्या क्या हमारे शेड्यूल रहने वाले। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, और अभी तो आपको ये रास्ता थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मगर जो स्विमिंग पूल है यकीन करें बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे अंदर जाते हैं, ये इसकी एंट्रेंस है जी। तो गाइस फाइनली हम जो है ना वो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, और वो टिकट हाउस पे बड़ा ज़्यादा रश है, बड़ा ज़्यादा फेमस भी है ये और बहुत खूबसूरत भी है। तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको जो है ना विज़िट करवाते हैं और एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी एंजॉय करवाते हैं। अभी 7 बंदे हैं, एक ये आप साहब हमारा, एक वो बंदा है, एक ये बंदा आ गया, पीछे भी 3 बंदे और रहते हैं, मज़ीद 7 बंदे टोटल। बस अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं, ड्रोन शॉट्स भी यहाँ पर लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, तो इन्जॉय करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। कुछ ये कि अभी ये जो देखें आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो लड़के हैं ये यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे वो देखें एक शॉपर मिलता है, जितने भी आप लोग आए होते हैं वो सारे इसके अंदर शूज़ अपने डालते हैं और वो सामने से सबमिट करवाते हैं, और उधर से फिर जो है ना फिर वापस भी यहाँ से आके ले लेते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, कॉल करते हैं, मुझे यहाँ पर स्पॉन्सर भी हुई थी इनकी तरफ से। वो सामने टिकट रूम है, वो जो आपको टिकट नज़र आ रही है, और इनकी टिकट जो है वो 300 पर पर्सन है, ज़्यादा भी नहीं है। अगर हम सोजो की बात करें, सोजो तकरीबन 500 या 600 तकरीबन हो चुकी है। अच्छा जी, अभी जो है ना हमने टिकट्स मिल गई हैं, अभी अंदर जाते हैं, पाँव जो है ना बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी अंदर जाते हैं, सारे अपने अपने पहले तो कपड़े चेंज करते हैं और अंदर जाके पानी देखते हैं कितना ठंडा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 38 तक तो होगा, तो देखते हैं। वो देखें जी, बड़ा प्यारा सा जो है ना ये बनाया हुआ है, बड़ा मज़ेदार और बहुत खूबसूरत है। और ये देखें जी, बाकी यहाँ से शूट वगैरह थोड़ा करते हैं, करके आपको दिखाते हैं, फुल टाइम गर्मी। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने शावर वगैरह भी लगाए हुए हैं, यहाँ पे आके अपना जो है ना वो आप शावर ले सकते हैं जैसे ही आप पूल से बाहर निकलते हैं। तो अंदर से जाके पहले तो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और फिर बाहर निकल के जो है ना वो फिर आके मज़ीद शूट करते हैं। ये इनका जो है ना वो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है, और अगर आगे जाएँ तो इस साइड पर ये छोटे बच्चों के लिए है, ये छोटे साइज़ का जो है। इसके अलावा फिर ये इनका अभी इन्होंने नया बनाया है, जो कि ये सारा स्विमिंग पूल जो है ना ये प्राइवेट है, ये तभी ओपन करते हैं जब किसी की बुकिंग हुई हो, यहाँ पे बुकिंग करवाओ फिर ये जो है ना सारा इसके अंदर फिर पानी भी भरते हैं, और जो आपकी टाइमिंग होती है ड्यूरेशन जितनी होती है वो फिर सारी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं, हर जगह इन्होंने सिटिंग एरिया हर साइड पर बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा माहौल है जी यहाँ पर आने।
है, जिसने नहाना है तो ये ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत खूबसूरत है। मैं अगर आगे चला जाऊँ, पाँव जो है ना वो मेरे बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे आए थे हम, मैंने सारे जो है ना पानी में कूद पड़े थे, फिर मैंने भी छलांग लगा दी। तो अभी मैं अगेन बाहर आया हूँ, मैंने कहा चलें वीडियो शूट करके और जो स्पॉन्सर हुआ है उसको पूरा कर लिया जाए। तो वो करते हुए फिर जो है ना वापस अंदर जाते हैं, अंदर पानी के अंदर भी जो है ना वो वीडियो बनाते हैं। मैंने वाटरप्रूफ कर लिया अपने कैमरे को। बाकी लोकेशन आप अगर सर्च करते हैं ग्रीनलैंड, इस स्विमिंग पूल का नाम है ग्रीनलैंड, और मैप के ऊपर आपको पता चल जाएगा, मैप पर आपको लोकेशन भी मिल जाएगी और साथ ही साथ इनकी वेबसाइट भी है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर सहूलत की बात करी जाए तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वहाँ पर जो है ना आप वाश मतलब कि क्या नाम है शॉवर लगे हैं, आप नहाने के बाद आप वहाँ पर ताज़ा पानी साफ़ सुथरे पानी के साथ शॉवर ले सकते हैं। उसके बाद वाशरूम भी बने हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर भी आप शॉवर ले सकते हैं, वाशरूम भी कर सकते हैं, और कपड़े अपने जो क्लॉथ हैं जो आप साथ में लेके आए हैं वो भी आप वहाँ पर जो है ना वो तब्दील कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत भी है। तो बस यहाँ पे आए, अगर आना चाहें तो 300 रुपये बस टिकट है पर पर्सन की, बहुत कम है, आएँ विज़िट करें लाजमी। और चलें जी आगे जो है ना आप इंजॉय करते हैं। अभी जो है ना वहाँ से हम छलांग लगाते हैं सारे के सारे मिलके, देखते हैं क्या सीन होता है। अब ऐसा अभी से ना तो तैरना आता है ना ऐसे नहाया जा रहा है, दो दफ़ा बेचारा डूबता बच्चा है। पीछे जो है ना वो इधर पानी कम है इधर पानी ज़्यादा है, यहाँ पे छलांग लगाते हैं और इकट्ठे आ गए सारे अभी जो है ना नहा लिया, एंजॉय कर लिया सारा, आपने देख लिया है, और निकलते हैं फिर आगे पैरी पैरी जाना है खाना खाने और वहाँ जाके मिलते हैं। रास्ता आपको तकरीबन दिखा दिया, अगर आपने किसी ने आना हो मैप है उसका मैं लिंक दे दूंगा, अगर किसी ने आना हो वो आ सकते हैं यहाँ पे, नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, नंबर से रابطہ करके जो है ना वो पता कर लीजिएगा किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो। सो गाइस अभी यहाँ से ना हम निकलने लगे हैं और आगे जाते हैं, वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं फिर अपने घर की तरफ। बड़ा मज़ा है जी आया यहाँ पर, और बस अभी चलते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। तो जी हम वहाँ से फ्री हो के आ गए थे, जिदा जो इतने थक गए थे और सब जो है ना तबीयत ख़राब हो गई, तो अभी ये खाना खाने के लिए आ गए हैं। पैड़ी पैड़ी भी पहुँच गए हैं, बर्गर मार्केट अभी हमारी लोडेड फ्राइज़ आई हैं, बर्गर आ गए हैं, ये है ग्रिल बर्गर, खाते हैं फिर अपने घर की तरफ निकलते हैं। फाइनली हम अपने घर वापस पहुँच चुके हैं, और मज़ीद जो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और साथ ही साथ जो है ना वहाँ पर मैं छोटी मोटी अपडेट देता रहता हूँ, और व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह फैसलाबाद का, लास्ट टाइम मैंने पोल बनाया था इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर, फैसलाबाद का लोगों ने सजेस्ट किया था कि नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो फैसलाबाद का बनाया जाए। तो चलें भाई अब वो दिन बस अनकरीब आने वाला है, ईद से पहले पहले जो है ना हम फैसलाबाद का टूर लगाने की कोशिश करेंगे और आपको फैसलाबाद जो है ना वो भी विज़िट करवाएँगे, काफ़ी खूबसूरत है और उधर भी चलते हैं। ठीक है, तो बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और जो है ना सपोर्ट करते रहें, इसी तरह लाइक करते जाइएगा इस वीडियो को ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया आपको कैसा स्विमिंग पूल कितना पसंद आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफ़िज़।
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.